2024 आ चुका है, लेकिन अभी भी स्टूडेंट जो हैं वो परेशान हैं जेई 2018 के रिजल्ट के लिए। रिजल्ट के लिए 6 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक आयोग इतना तेज़ी से काम कर रहा है कि उसने फाइनल रिजल्ट नहीं दे पाया है। ज्वाइनिंग तो छोड़ दीजिए, फाइनल रिजल्ट तक नहीं आया हुआ है। बहुत दिनों तक धरना देने के बाद तो एक बार रिजल्ट आया था, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। तो अभी क्या उसमें अपडेट है, उसी के लिए एक न्यूज़ मेरे पास आई है, इसीलिए मैं आपके सामने अपने ये वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे फर्स्ट तो जेई 2018 के रिगार्डिंग जो दो न्यूज़ है मेरे पास, और न्यूज़ का सोर्स सबसे पहले बात करते हैं, न्यूज़ का सोर्स सेम व्यक्ति है। आपको याद होगा 2016 के रिजल्ट के समय, जेई 2016 का जब रिजल्ट आने वाला था, उस समय भी मैंने आपको बहुत सारी न्यूज़ दी थी कब रिजल्ट आने वाला है, क्या अपडेट चल रहा है, लोग बहुत सारे से भ्रमित कर रहे थे। तो उसी आदमी के द्वारा ये न्यूज़ भी प्रोवाइड की गई है, तो उसी चीज़ के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे, जिससे आपको भी एक आइडिया हो सके कि क्या एक्चुअल में अपडेट है, क्योंकि हम लोग परेशान बहुत रहते हैं। तो अपडेट क्या है, तो न्यूज़ क्या है, जेई 2018 की दो न्यूज़ है। सबसे पहले तो हम लोग रिजल्ट के बारे में बात करेंगे कि रिजल्ट का क्या हो रहा है, रिजल्ट अपना आने वाला है, इसमें काम हो रहा है कि सब कुछ भी नहीं हो रहा है, सिर्फ हम लोग का धरना प्रदर्शन चल रहा है। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। सेकेंड, एक न्यूज़ इन दिनों सर्कुलेट हो रही है कि आपकी वैकेंसी में क्या है कि रिड्यूस कर दी जाएंगी कुछ वैकेंसीज, तो उसमें कितनी सच्चाई है, ये दोनों बातों को लेकर मैंने उनसे बात की थी। तो उन्होंने क्या बताया वो मैं आपको बताता हूँ। तो अब सबसे फर्स्ट बात करते हैं वैकेंसी के लिए। तो देखो क्या होता है कि ना, स्टूडेंट जब बहुत दिनों तक रिजल्ट का इंतज़ार कर रहा होता है, तो कुछ ना कुछ जो इंटरेस्टिंग स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो बीच में कुछ ना कुछ न्यूज आपके सामने ला के रख देते हैं, जिससे उनका भी इंटरेस्ट बना रहे, लोगों का भी रिजल्ट के लिए। उसी तरह न्यूज़ आई कि आपकी वैकेंसी कम कर दी जाएगी। जब मैंने उनसे बात की तो उनका कहना सीधा सीधा था, अगर आपकी वैकेंसी कम करनी होती, गवर्नमेंट के पास बिल्कुल अथॉरिटी है, वहाँ पे नोटिफिकेशन में लिखा रहता है कि कभी भी गवर्नमेंट वैकेंसी बढ़ा या फिर घटा सकती है, बट ऐसा जनरल प्रैक्टिस नहीं है। जब भी आपका एग्ज़ाम होने वाला होता है, उसके जस्ट पहले ही कोई नोटिफिकेशन आपकी वैकेंसी कम कर दी जाती है। ऐसा नहीं है कि कभी भी जब भी मन करेगा तो कम कर देंगे, बढ़ा देंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपकी वैकेंसी जितना फाइनल नोटिफिकेशन में अभी तक आपको पता है, तो कोई भी न्यू नोटिफिकेशन में बदलाव नहीं किए जा रहे हैं। तो दैट इज़ वन गुड पॉइंट कि आपका जो वैकेंसी है वो कम नहीं होगा। तो इसके लिए कुछ भी टेंशन ना लो स्टूडेंट्स आप लोग, क्योंकि ये बिना मतलब का पॉइंट है, इसमें कोई भी बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इससे अपना मतलब ही नहीं है और वैकेंसी कम होनी नहीं है। अभी मेन अपना फोकस होना चाहिए रिजल्ट में। तो इस बात को तो अफवाह की तरह आप उड़ा दो, सिर्फ एक कान में सुनो और दूसरे कान से निकाल दो बस। तो इसमें सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है और परेशान होने की बिल्कुल भी बात नहीं है, आपकी वैकेंसी उतनी रहने वाली है। अब मेन कंसर्न है कि रिजल्ट और ज्वाइनिंग आपकी कब होने वाली है। तो रिजल्ट के लिए उन्होंने बताया कि अब जो है, लेखपाल का तो रिजल्ट आ गया, आपने देखा होगा, अब जो वर्क हो रहा है, वर्क आपका जेई 2018 के लिए ही हो रहा है। ठीक है, आपको याद होगा कि पेपर हुआ था पहले, फिर इसके बाद रीपेपर हुआ कुछ स्टूडेंट्स का, तो बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन उधर क्या बताया जाता है कि काम हो रहा है। आपका रिजल्ट जो है 25 जनवरी तक आ सकता है। तो 25 जनवरी की डेट उन्होंने बताई कि 25 जनवरी तक आ सकता है, ऐसा कुछ डेडलाइन, अब उनके इंटरनल कुछ चीज़ें होंगी, तो जो उनके द्वारा बताया गया कि 25 जनवरी तक आपका रिजल्ट आ सकता है, और उसके बाद उस कब आपकी ज्वाइनिंग होगी ऐसा उन्होंने कुछ क्लियर नहीं किया। तो उनको जितनी इन्फॉर्मेशन थी कि 25 जनवरी तक हो जाएगा। अब क्या है, आप क्या कर सकते हो, मैंने पूछा कि भाई हम क्या कर सकते हैं कि जिससे हमारा रिजल्ट में थोड़ा फास्ट हो। तो देखो, रिजल्ट फास्ट तभी होगा जब आप अपनी वहाँ पे स्ट्रेंथ दिखाओगे। तो जो जितने लोग मैक्सिमम लोग, मैक्स टू मैक्स लोग, अगर आप आयोग में पहुँच सकते हो, जितना लोग ज़्यादा पहुँचेंगे, जितना आप वहाँ से चीज़ों को प्रेशराइज करोगे थ्रू एनी गवर्नमेंट ऑफिसर्स या फिर एनी पॉलिटिकल मेंबर्स, अगर वहाँ से कुछ प्रेशर आता है, तब फिर ये क्या है, रिजल्ट आपका बहुत जल्दी रिलीज़ कर देंगे। क्योंकि देखो, रिजल्ट में अब कुछ बचा नहीं है। रिजल्ट में एक इनकी दिक्कत थी कि कुछ स्टूडेंट्स का कराना था री एग्ज़ाम, तो री एग्ज़ाम भी हो चुका है, तो अब कुछ भी है नहीं ज़्यादा। जो भी प्रेशर, अगर आप अच्छा खासा प्रेशर प्रोवाइड कर देते हो कि बहुत ज़्यादा बात होने लगती है, मीडिया में बात होने लगती है, या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर द्वारा कहा जाता है, या फिर गवर्नमेंट के द्वारा ही प्रेशराइज किया जाता है, तो ये बहुत जल्दी रिजल्ट आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो जितना जल्दी, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप अगर इकट्ठा हो सकते हो, तो ज़रूर वहाँ पे पहुँचो।
आयोग में ही डायरेक्ट चले जाओ, वहाँ पे जाके ही बात करो। जितनी ज़्यादा वहाँ पे क्वेरीज आएंगी उतना ज़्यादा उनके कानों में जू दौड़ेगी और रिजल्ट वो जल्दी नोटिस वहाँ पे रिजल्ट घोषित करेंगे। तो दैट वाज द न्यूज़। तो जो उनके द्वारा बताई गई कि 25 जनवरी तक आपका रिजल्ट आ सकता है, दैट इज़ द वन न्यूज़ फॉर रिजल्ट। एंड सेकेंड, जो वैकेंसी रिडक्शन की बात है, तो वैकेंसी अभी घटाने की कोई भी बात नहीं है। तो ये दोनों न्यूज़ थी। आई थिंक बहुत सारे आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, तो परेशान होने की बात नहीं है। वैकेंसी के लिए स्टूडेंट बहुत परेशान थे, और 25 जनवरी के पहले भी रिजल्ट आप ला सक मतलब निकलवा सकते हो। और निकलवाओगे कैसे? जब तक आप अपनी स्ट्रेंथ नहीं दिखाओगे मैक्सिमम स्टूडेंट्स, क्योंकि देखो क्या है, गवर्नमेंट काम करती है हम लोग के लिए, ठीक है? अगर आप वहाँ पे गवर्नमेंट के पास जाते हो, डिफरेंट ऑफिसर्स के पास, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी मेंबर्स के पास, तो वो वहाँ से अगर प्रेशराइज करेंगे तो रिजल्ट कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। जब प्रेशराइज किया जाता है चीज़ें बहुत आसानी से बहुत जल्दी हो जाती हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड कि कैसे करना है। यू नो वेरी वेल कि कैसे चीज़ों को मैनेज करना है, कैसे आयोग से जाके वहाँ से मिलना है सचिव से, कैसे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या फिर जनता दरबार लगता है वहाँ पे जाके अपनी प्रॉब्लम बतानी। क्योंकि रियली में ये प्रॉब्लम है कि 6 6 साल हो चुके हैं लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया हुआ है। तो वहाँ पे जाइए जनता दरबार, जहाँ पे हो रहा हो, मुख्यमंत्री आवास जा सकते हैं, तो मुख्यमंत्री में सचिवालय जा सकते हैं, तो वहाँ पे आप अपनी अप्लीकेशन लगाइए। तो क्या होगा कि गवर्नमेंट को पता नहीं रहता, इतने सारे डिपार्टमेंट होते हैं तो उनको बहुत छोटी छोटी चीज़ें का आइडिया नहीं होता। तो जब आप अपनी प्रॉब्लम बताते हो देन यू अंडरस्टैंड कि यस क्या है कि आपके जो भी प्रदेश में जनता है वो परेशान है इन चीज़ों के लिए, इसी को एड्रेस करने के लिए तो वहाँ पे बैठे हुए हैं। जब आप वहाँ पे बताओगे अपनी प्रॉब्लम्स को, देन उनको क्या करना है, उनको सिर्फ एक फ़ोन करना है यहाँ पे कि रिजल्ट क्यों नहीं जारी हुआ, रिजल्ट जल्दी जारी करे जाए, बस इतना करना है। अगर सीएम ऑफिस से ही इतना फ़ोन आ जाता है तो आप देखोगे विद इन 4 to 5 days रिजल्ट आ जाएगा, चाहे कुछ भी काम करना बाकी हो। तो दैट इज़ द पावर ऑफ एनी गवर्नमेंट ऑफिसर्स। तो आप ये करो, यूटिलाइज करो, और आयोग में जाओगे, आयोग से बात करोगे तो दैट इज़ नॉट मोर बेनिफिशियल, बट जाओगे तो एटलीस्ट उनको पता तो रहेगा कि स्टूडेंट्स परेशान हैं। तो दैट इज़ द होल न्यूज़। आई थिंक यू गेट एनी इन्फॉर्मेशन, एंड कुछ भी नई अपडेट आती होती डेफिनेटली आई विल शेयर टू यू।